हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए अंडा करी, स्वादिष्ट अंडा करी रेसिपी लेके आए हैं। यहाँ पे अंडों की करी है, एक प्रकार की बढ़िया रेसिपी है। तो इसको बनाएंगे कैसे, कैसे हम बनाएंगे, तो ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले है, आप देख सकते हैं ये अंडे हैं, इसमें भाप आ रही है। भाप इसलिए आ रही है कि हमने इसको पहले उबाला है, वो हमने वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन 4 अंडे मैंने यहाँ पे लिए हैं तो उनको मैंने उबाल लिया है, पानी के अंदर गर्म कर लिया। उबालना तो नॉर्मल आप उबाल ही सकते हो, किसी बर्तन में पानी लेके उसमें आप लगभग 15 मिनट या 10 मिनट तक, अगर गैस सिलेंडर चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे ले रहे तो 10 से 15 मिनट तक इसको उबाल सकते हो। उसके बाद में उबाल लिया मैंने, इसको छील लिया है। अब 4 अंडे हैं, इनको यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे। और इसके बाद में हम विधि बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम मसाला क्या क्या यूज़ में ले रहे हैं वो बताते हैं। मसाले से पहले मैंने यहाँ पे 2 टमाटर काट लिए हैं टुकड़ों के रूप में, लगभग 100 ग्राम है, हरी मिर्च का यूज़ किया है। तो ये मसाला हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, लगभग 1.5 चम्मच है मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, 4 अंडों में 2.5 चम्मच है वो धनिया पाउडर लिया है, लगभग आधा चम्मच है यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर है जिसको मतलब हड्डियों में दिक्कत है, वो हल्दी पाउडर ज़्यादा यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो हड्डियों के रोग होते हैं, हड्डियों में जो दर्द होता है वो आसानी से मिट जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा आधा चम्मच है वो हल्दी पाउडर लिया है। ये नमक लिया है स्वाद अनुसार, और ये लगभग 10 से 12 कलियाँ लहसुन की है, मैंने इसको मामदस्ते के अंदर पीस लिया है, और पीसने के बाद में इसमें पानी मिला दिया है। तो साथ ही ये हमारा मसाला हो गया, और इस मसाले का क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, पेस्ट इसलिए मैं बनाता हूँ कि ताकि जो हमारा जब मसाला पकेगा तो एक साथ ही पकेगा, एक टेम्परेचर पर पकेगा। तो आप भी यही कीजिए, अगर मसाला आप पकाते हो तो एक साथ में उसको पेस्ट बना लो, उसमें पानी भी होता है तो पानी तो सूख जाएगा लेकिन मसाला बराबर वे में पकेगा। अब बात करते हैं अंडा करी बनाने की विधि की, वो सबसे ज़रूरी है। तो साथियों पहले तो हम इस मसाले को एक जगह कर लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमने लहसुन है, हल्दी है, मिर्ची पाउडर है, सबको एक जगह कर लिया है और इसमें पानी डाल दिया है। ये हमारा एक प्रकार से पेस्ट बन गया, इसको मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही हमारा पेस्ट बन गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं अंडों की। तो साथियों ये हमारी विधि है, विशेष प्रकार की विधि है, हम इसको काटेंगे नहीं, हम इसमें जो ये बॉयल अंडे हैं ना, इसमें छेद कर देंगे। और आप किसी से भी छेद कर सकते हो, पतले पतले, एक माचिस की तिल्ली हो गई या फिर कोई अन्य चीज़ हो गई ऐसी छोटी पतली, जिससे आप छेद कर सको। और छेद इसलिए करेंगे कि इसमें जो हम इसको जब इनको मसाले के अंदर भूनेंगे तब ये जो मसाला इसके अंदर तक जा सके और ये मसाला पूरी तरीके से अंडों में समाहित हो सके और एक शानदार रेसिपी बन सके। चलो इसमें छेद करते हैं। तो साथियों इस प्रकार छेद करेंगे हम, इनमें लंबे लंबे छेद कर सकते हो आप, बड़े बड़े इस प्रकार से छेद है कि मसाला आसानी से इसमें फिट हो सके। ठीक है साथियों, तो देख सकते हैं आप, ये मैंने छेद की है, तो इस प्रकार से आपको छेद करने हैं। अब इसकी विधि क्या है, कैसे पकाएंगे इसको, चलते हैं अभी गैस चूल्हे की तरफ। ये कढ़ाई में बना रहा हूँ तो इसमें लगभग 3 चम्मच है मैं तेल की डाल दूंगा, इसको गर्म किया जाएगा, तेल को गर्म कर लेते हैं इसको। अब हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा डाल देंगे और इसको लगभग 50 सेकंड तक पकाएंगे। 50 सेकंड में हमारा जीरा पक जाएगा, ये भूरा भूरा हो जाएगा एक प्रकार से। तो जीरा पक गया इस प्रकार से, अब इसमें मसाला डालेंगे। ये मसाला डाल दिया, पेस्ट किया हुआ मसाला, तो देखिए आप ध्यान से, इसीलिए मैंने इसमें पेस्ट किया था ताकि अब ये इसमें जो पानी है वो सोख जाएगा और एक शानदार मसाला बढ़िया तरीके से पकेगा। देखिए आप इसको पकाएंगे, लगभग बढ़िया तरीके से 5-7 मिनट लगेंगे पकने में। अगर मसाला कच्चा रहेगा तो पेट में दिक्कत हो सकती है खाने के बाद में, तो इसको पकाना ज़रूरी होता है। कोई भी रेसिपी हो, मसाले को ज़रूर पकाए। कई बार क्या होता है, सीधी हम जो चीज़ बनाते हैं तो सब्जी बनाते डाल देते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी कई बार उठाना पड़ सकता है, तो इसको पकाएंगे। तो अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, ये हरी मिर्च डाल दिए मैंने।
और साथ में टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर भी डाल दिए इसमें। और अब इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले के साथ में टमाटर और हरी मिर्च है ये भी पक जाए, क्योंकि टमाटर और हरी मिर्च ऐसी चीज़ें होती है वो जो भी बहुत जल्दी पकती है, उसको साथ में ही डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पका लेंगे थोड़ी देर। और साथियों हर प्रकार की रेसिपी बनाते हैं हम, वेज नॉन वेज चाट भंडार जो भी है, तो घर बैठे आप अपने रसोई के अंदर रेसिपी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस, नए नए रेसिपीज रोज़ बन आपके लिए आपके घर पे उपलब्ध हो सके, आपको होटल की जाने की आवश्यकता न पड़े। ये मसाला है, इसको पकने का वेट कर लेंगे थोड़ा। तो साथियों हमारा मसाला पक गया है, तो अब इसमें अंडे हैं सावधानी से डाल देंगे, इस प्रकार छेद किए अंडे हैं। ये हमने डाल दिया, अब इसको इस प्रकार मिला लेंगे। देखिए आप इस प्रकार हम इनको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और लगातार मिक्स करते रहेंगे, अदरवाइज ये मसाला पूरी तरीके से फिट नहीं बैठेगा इसमें। इस प्रकार हम इसको मिलाते रहेंगे, थोड़ी देर मिलाएंगे, बाद में दोबारा से इसको पलट देंगे, बाद में दोबारा पलटेंगे इस प्रकार से। लगभग एक बार पलट, लगभग 4 या 5 बार आप इसको पलट सकते हैं। लगभग 7-8 मिनट में हमारी रेसिपी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। इस प्रकार कर देंगे हम, मसाले के अंदर है अंडों को मिक्स कर देंगे, और इस प्रकार से मसाले ये एक बार छोड़ देंगे, उसके बाद दोबारा इसको पलट देंगे। तो साथियों 7-8 मिनट के बाद में हमारा, जैसे कि मैंने बताया था, पेस्ट किया हुआ मसाला था, वो पानी तो उसमें पूरी तरीके से उसने उसका उसको ख़त्म कर दिया है। और ये हमारी अंडा करी रेसिपी देखिए, ये मसाला भी पूरा इसमें सेट हो गया है, एक शानदार अंडा करी इसमें तैयार हो गई है। तो अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार देखा दोस्तों आपने, हमने है ये पूरी तरीके से एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में देखो, आप हरा धनिया यूज कर सकते हो, लेकिन मैं हरी मेथी यूज कर रहा हूँ, ये खास करके आँखों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, तो इसलिए मैं धनिया आप यूज़ करो, लेकिन मैं यहाँ पे मेथी यूज़ कर रहा हूँ इस प्रकार से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, और रेसिपी के बारे में बताइएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको रोज़ रोज़ रेसिपी मिल सके। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।